नमस्कार जी, आज मैं एक नया विषय आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि हम लोग को जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशनें रहती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं हम। असल में कुछ दुख तो हमें अपनी समस्याएं हैं उनकी वजह से होता है, किसी का काम नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, 100 प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता होती हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर शायद आप कोई एक भी आपने अप्लाई किया ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, हम क्या करते हैं कि हम जीवन में किसी ना किसी से नाराज़ रहते हैं। जिससे भी हम नाराज़ रहते हैं ना, तो कभी हम उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकते और वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकता। तो ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि आप मरने से पहले सबको माफ़ कर दीजिए। कितना कितनी तसल्ली मिलती है अगर आप किसी एक को माफ़ कर पाएँ। और उस दिन आपको रात को नींद अच्छी तरह ना आए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने गलत रास्ता बताया है। और क्या है कि हमारी गलती है या उनकी गलती है हमें नहीं पता होता। अपने विवेक और बुद्धि से सब कोई सोचता है कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। लेकिन क्या होता है, सिर्फ एक जो लैक ऑफ कन्वर्सेशन होती है, बीच में हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे प्रभु भी कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं, अगर आप किसी के साथ ये चीज़ें लेकर गए ना इस संसार से, तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जो भी इंसान है वो आपको जब भी आपकी बात करेगा तो आपको बदवाएँ देगा उस। तो क्या है कि क्यों ना हम अपने रास्ते साफ, हमने दूसरे को माफ़ नहीं किया है, हमने अपने रास्ते साफ किए हैं। आप उसके साथ मत दोबारा बात कीजिए, लेकिन एक बार बात को ख़त्म करेंगे ना, आपको अजीब सुकून मिलेगा। थैंक यू।